राम राम भाई सारू। आज मैं टाटा नेक्सॉन न्यू फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल का रिव्यू करने वाला हूँ और एंड में आपको बताऊंगा कि पुरानी वाली नेक्सॉन में नए नेक्सॉन में कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। अब इस बात करते हैं डायमेंशन की, जो इसकी लेंथ है 3995 mm और जिसकी वेट है 1804 mm और जिसकी हाइट है वो 1620 mm और जिसका व्हील बेस है वो 2498 mm का। सेगमेंट में सबसे ज्यादा 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर देखने को मिल जाती है और जिसकी बूट स्पेस है वो 382 liters की और जिसकी फील्डिंग कैपेसिटी है वो 44 liters की। फ्रंट ब्रेक टाइप डिस्क, रियर ब्रेक टाइप ड्रम और जिसका टायर साइज है वो है 16 inches का। इस बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। ओवर स्पीड वार्निंग, पंचर रिपेयर किट, 5-star ग्लोबल सीपी क्रैश टेस्ट रेटिंग, 6 airbag, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। इस बात करते हैं कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, वेंटीमीटर ऑन सन वाइजर ओनली को ड्राइवर, 360 degree व्यू पार्किंग कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, फाइंड माय कार सिस्टम, व्हीकल स्टेटस वीआईपी कनेक्टिविटी, इमरजेंसी एसएस कॉल सिस्टम, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट, फ्रंट कूल्ड टाइप वेंटिलेटर सीट, ड्यूल टोन इंटीरियर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सनग्लास होल्डर, ऑल पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर डिफॉगर, रेन सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प विद फॉलो मी फंक्शन, कॉर्नरिंग हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, हेलोजन फॉग लैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 inch टच स्क्रीन डिस्प्ले विद एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सिस्टम, 8 speakers, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कमांड, GPS नेविगेशन सिस्टम, वायरलेस चार्जर। अब इस बात करते हैं इंजन की, इसके अंदर 1.5 liter 4 cylinder टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता है जो 113 bhp की पावर जनरेट करता है, 260 Nm का टॉर्क और 24.08 kmph की माइलेज देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक AMT ट्रांसमिशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। अब उन फीचर्स की बात कर लेते हैं न्यू नेक्सॉन में ऐड हो चुके हैं। पहला है ग्लोइंग लोगो और दूसरा है ये पैडल शिफ्टर जो न्यू ऐड हुए हैं और तीसरा है AC के सभी कंट्रोल अब टच हो चुके हैं और चौथा है 360 degree व्यू पार्किंग कैमरा और पांचवा है फ्रंट और रियर का लुक बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाती है। अगर इस बात करें प्राइसिंग की, ये गाड़ी आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइसिंग के हिसाब से 18,48,000 की देखने को मिल जाती है। तो भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आपको ये गाड़ी कैसी भी लगी हो लेकिन आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।